ये बता रहा था कि 6 महीना यहाँ रहते हैं, फिर बर्फ हो जाती है तो 6 महीना जोशीमठ चले जाते हैं। तो इतनी भीड़ है देख ले। सुबह गाने भाई, सुबह गाने ही माइक तो लगानी है। लगा नहीं है तो लगा ले। नया दिन, फ्रेश सवेरा और एक नई जर्नी की शुरुआत। तो अभी हम हैं सोन प्रयाग में और इसी बस में हम ट्रैवल करेंगे बद्रीनाथ। केदारनाथ तो हो गया, चलो बद्रीनाथ धाम भी चलते हैं। करीब 12 आवर्स की एक हेक्टिक जर्नी के बाद फाइनली हम पहुँचे हैं बद्रीनाथ धाम। यह है बस स्टैंड बद्रीनाथ धाम का और इसी बस से ही हम आए। यहाँ पे एक बोर्ड है, दिखा देता हूँ, श्री बद्रीनाथ धाम के समीप दर्शनीय स्थल। तो बद्रीनाथ टेम्पल यहाँ से 1 किलोमीटर, और बहुत सारे ऐसे घूमने की जगह हैं, बहुत जा सकते हैं, और यहाँ पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो चलो, बहुत हेक्टिक जर्नी हो गई भाई, 12 आवर्स मुश्किल में, और बस की सवारी और रास्ता तो भाई जिस तरह से था बहुत डेंजरस था, अच्छा भी लगा। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है एक बजट वाली होटल जो कि अच्छी भी हो और हमारे बजट में भी हो। चलो वहाँ पे जाके पूछते हैं। चलो 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 अच्छा, चलो ठीक है। क्या बोले? अरे पहुँच गए, बहुत खुशी लग रहा है। बाबा बाबा नहीं, प्रभु बद्री विशाल की जय हो। फिर से बोल दे एक बार। है? फिर से एक बोल बोलो। हाँ। ए, चलो चलो। ए, सब बोलना चाहिए, ए, सबको बोलना चाहिए। हाँ, बोलो। प्रभु बद्री विशाल के जय, प्रभु बद्री विशाल के जय, प्रभु बद्री विशाल के जय। चलो 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 चलो, चेहरे पे मत जाओ भाई, ये धूल मिट्टी खा के आया हुआ चेहरा है। बस स्टोरी पे ध्यान दो, स्टोरी पे। तो हमें मिल गया है एक रूम जो कि मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे है, और अच्छी बात यह है कि बजट होटल है, केदारनाथ से तो बहुत ही कम है। नहीं, बहुत कम। तो चलो फटाफट चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर खाना खाने के लिए भी आना पड़ेगा, और जल्दी सोएंगे तभी ही जल्दी उठेंगे और बद्री विशाल का दर्शन कर पाएंगे और आपको भी दिखा पाएंगे। मिला क्या? हाँ मिला भैया। अच्छा वाला? हाँ अच्छा वाला तो नहीं है, कार जैसा मिला, लेकिन वो कार से भी अच्छा है, थोड़ा स्पेशल है क्या भाई? हाँ मजा आ रहा है, 1000 में देखो पूरा कालीन रूम आ गया। तो हम भी लोग आए, हम लोग आए, बोले सही है, सही है भाई, हो जाएगी रात। 6 डिग्री चली। हाँ 6 डिग्री सेल्सियस क्या? हाँ और ठंड
और नीचे भी जा सकती है नहीं, क्या बोलता है बोल दे एक बार बद्री विशाल। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल के, जय प्रभु बद्री विशाल के, जय प्रभु बद्री विशाल के। ठीक है चलो फटाफट रेडी हो जाओ, खाना खाने जाना है भाई लोग। श्री बद्रीनाथ टेम्पल आगे, खाना वगैरह तो हो गया हमारा, तो सबने सोचा कि चलो थोड़ा चल लेते हैं, नहीं मंदिर भी दिखाएंगे। वैसे तो सुबह ही हो जाएगा, वॉक भी हो जाएगा और मंदिर भी थोड़ा देख लेंगे दूर से, दर्शन तो सुबह ही होगी। अभी होगा और 500 मीटर होगा यहाँ से बद्रीनाथ जी का। शांति है लेकिन यहाँ पे, और बहुत सारे गेस्ट हाउस और होटल है, बहुत सुविधा है, फैसिलिटी बहुत है। तो चलते, एक बाइक दिख गई हमें, ये है BMW G310, ज़बरदस्त बाइक है भाई, कोई यूट्यूबर होगा शायद कुछ टिप्स का, मस्त बाइक है BMW का एडवेंचर, मस्त कंफर्टेबल बाइक है ना, हाँ मस्त बाइक है ये BMW का। बाइक दिख जाए तो हम देख लेते हैं ऐसे। देवभूमि बद्रीनाथ हमें आपका स्वागत है, दिख जाएगा थोड़ा थोड़ा तो, लाइटिंग है यहाँ पे। तो किस तरफ है मंदिर भाई, सब सो गए क्या इतने सारे लोग, गाड़ियाँ कितनी है लेकिन आदमी नहीं दिख रहे हैं कोई भी। ये है चिराग, हेलो बोलो। अभी कितने क्लास में हो? फोर्थ में अभी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर तो नहीं पढ़ते ना? नहीं, जोशी मठ में। तो ये बता रहा था कि 6 महीना यहाँ रहते हैं, फिर बर्फ हो जाती है तो 6 महीना जोशी मठ चले जाते हैं, तो एजुकेशन में भी थोड़ा यहाँ के लोगों का मतलब डिफिकल्टी आती है, 6 महीना इधर रहते हैं और 6 महीना उधर। अच्छा है बच्चा, क्यूट है। सुबह सुबह 6 बजे उठेंगे और बद्रीनाथ घुमाना हमें, फिर क्या बोलता है? ठीक है, ठीक है चलो, चल गुड नाइट, सुबह मिलेंगे। ऊपर चढ़ते हैं, बहुत ठंड हो रही है, सो जाते हैं, सुबह वैसे भी जल्दी उठना है और बद्रीनाथ धाम का दर्शन भी करना है। गोड़ हाथ मौके भी दुखे ना। ठीक है चलो, बस इतना ही आज के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई।